always learn something new. He always gives us the best career hits for every actor he works with, be it Prabhas. दोस्तों कल की 2898 को देखने के बाद रामचरण ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री बहुत ही यूनिक स्टाइल की मूवीज बना रही है और अभी जो कल की 2898 मूवी आई है वो देखकर तो भाई भरोसा हो गया है कि इंडियन सिनेमा हॉलीवुड का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गई है। फील ही नहीं हो रहा है कि ये मूवी हॉलीवुड की है या फिर बॉलीवुड की या फिर साउथ की, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो भी विजुअल्स दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। डायरेक्टर नाग अश्विन को शुभकामनाएं देते हुए रामचरण कहते हैं कि इनकी मेहनत रंग लाई है और साथ में हमारे बहुत ही लीजेंडरी डायरेक्टर, बहुत ही आला क्वालिटी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने जिस लिहाज से अमिताभ बच्चन को रिप्रेजेंट किया है, उनको अश्वधामा के कैरेक्टर में जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, पूरा भरोसा है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर 2000 करोड़ रुपए कमाने का पावर रखती है। साथ में शानदार दीपिका की एक्टिंग, भैरवा के अवतार के अंदर बाहुबली प्रभास, उसी के साथ कली के अवतार में जो भाई कमल हसन साहब को रिप्रेजेंट किया गया है वो काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं और इस मूवी के विजुअल्स काफी ज्यादा यूनिक है। सिनेमेटोग्राफी नेक्स्ट लेवल है, वीएफएक्स की तो भाई बात ही छोड़ दो, क्योंकि इस मूवी के अंदर यूनिक स्टाइल के वीएफएक्स हमें देखने को मिलते हैं। मूवी को बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मूवी ने एक ही दिन में 250 करोड़ रुपए का बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर लिया है। ऑडियंस को यह मूवी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और जो भी इस मूवी के महाभारत के एक्शन को देखता है, जो भी भगवान कृष्ण की जो कन्वर्सेशन है उसको सुनता है और अश्वधामा का जो कन्वर्सेशन भगवान कृष्ण के साथ दिखाया गया है, ये तमाम चीजें लोगों को इंस्पायर करती है। इससे काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये मूवी जो आने वाला समय है उसको रिप्रेजेंट करती है। मूवी को हर लिहाज से यूनिक स्टाइल में बनाया गया है और इस मूवी के आने के बाद लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई डायरेक्टर नाग अश्विन को महाभारत भी बनाने चाहिए, क्योंकि वो जिस लिहाज की क्रिएटिविटी करना जानते हैं वो क्रिएटिविटी कोई और डायरेक्टर करना सोच भी नहीं सकता। एसएस राजामौली के बाद अगर कोई सक्षम डायरेक्टर अगर नंबर वन के ऊपर बना है तो वो है डायरेक्टर नाग अश्विन। दोस्तों आपको ये मूवी कितनी पसंद आई और आप रामचरण की बातों से कितना सहमत हो, आपको ये मूवी कितनी पसंद आई है, आपने इसको कितनी बार देखा है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट लाजमी करना। अगर आप बाहुबली प्रभास के डाइट फैन हो, अगर आप अमिताभ बच्चन के डाइट फैन हो, अगर आप कमल हसन के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि यहां पर आपको कल की 2898 की सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।